हैदराबाद में आज लकड़ी का पुल, कॉलेज के पास से पंजाकुटा तक लो के स्टूडेंट्स ने राज्य में बलात्कार के मामलों में वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा, यह भारत में न्यायिक प्रशासन के स्तंभ के लिए खतरा है। हम सरकार से पीड़ितों को न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और लो के स्टूडेंट्स अब्दुल रहान, मिर्जा अरखम बेग और अन्य ने प्रदर्शन किया। नव भारत समाचार से संवाददाता सैयद फिरोज की रिपोर्ट। आज मुकफमजा कॉलेज के मेन गेट से नागार्जुना सर्कल तक एक प्रोटेस्ट रखा गया, जस्टिस फॉर साबिया, जस्टिस फॉर चैत्रा के लिए। हम लोग ये बढ़ के आगे निकले कि जस्टिस फॉर साबिया और जस्टिस फॉर चैत्रा के लिए दोनों को ऐसी एक, दोनों जो एक्यूज है वो लोग को ऐसी सज़ा मिलना चाहिए या हैंग करना चाहिए या इनकाउंटर करना चाहिए, वो हमारी डिमांड है। हम लोग लॉ स्टूडेंट होने के नाते हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं ऑल मिनिस्टर्स, ऑल पब्लिक लीडर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से कड़ी सी कड़ी सज़ा ये लोग को मिलनी चाहिए। जैसे कि डे बाई डे क्राइम बढ़ता जा रहा, उसके ऊपर भी एक बिल निकालना चाहिए और ये रेप के ऊपर और मर्डर के ऊपर कड़ी सी कड़ी सज़ा रखनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हम लोग देखिए सुल्तानुल्लाह कॉलेज ऑफ लॉ से है। हम लोग की डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार केसेस ऐसे सुनने में आ गए। मोस्ट प्रोबेबली जो है ना, हम लोग फोकस इस पे करेगी दिल्ली और सैदाबाद का जो केस हुआ उसके ऊपर हम मुद्दे नज़र रखते हुए हम आगे बढ़े, ये चीज़ का हम लोग कंक्लूड कर। हम लोग ये आज सुल्तानुल्लाह लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, लॉ कॉलेज, फार्मेसी, सब ऑल स्टूडेंट्स हैं, मिलके हम लोग रैली निकाले हैं क्योंकि जूनियर कॉलेज सब SUES पूरा कंप्लीट मिलके ये निकाले हैं कि सबिया, सैफी और चित्रा दोनों के लिए जस्टिस होना है और रेप जैसे केसेस में फास्ट ट्रैक लॉ होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ ला लिए तो शायद मेरे हिसाब से लॉ में ये ऐसे केसेस कम हो जाएंगे। मेरा वही है कि बस मैं ये जो रेप केसेस हो रहे हैं उसके लिए, उन लोग वो विक्टिम्स के लिए, बच्चे महफूज है या नहीं है? जी जी नहीं, अभी नहीं है क्योंकि इसके वजह तेलंगाना की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है ये रेप केसेस में। ये मामले में उन लोग अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए तो बच्चियां क्या, हर कोई सेफ है यहाँ पे। थैंक यू भैया, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम स्टूडेंट्स ऑफ लॉ कॉलेज हम लोग मिलके एक प्रोटेस्ट रैली निकाले इस वजह से, जस्टिस फॉर साबिया सैफी, जस्टिस फॉर चैत्रा के लिए। और हम लोग ये कोर्ट देखते हुए आज आगे बढ़े, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल बोल के हम यूनाइट हुए आज। आज के लोग, आज जो लोग हम लोग जमा हुए इस वजह से जमा हुए कि जस्टिस फॉर साबिया सैफी और जस्टिस फॉर चैत्रा के लिए हम जस्टिस मांगने निकले। और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जैसे होम मिनिस्टर है तेलंगाना और KTR है, KCR है, ये इतने बड़े इशू पे उन लोग उनके घर को विजिट नहीं कर रहे, ना मैटर देख रहे, ना कुछ भी नहीं। वो लोग का हक बनता है कि वो लोग जाके देखें और उसको जो भी है सर्वे करें वहाँ पे और वो फैमिली को जस्टिस दिलाए। बल्कि ये नहीं करते हुए एक मीटिंग कर रहे, गैदरिंग कर रहे, कैसा जस्टिस दिलाना वो है। लेकिन हमारे जो है ना तेलंगाना पुलिस पर भरोसा है, उन लोग जस्टिस दिलाते बोल के, जैसा कि पहले केस में दिलाए थे तेलंगाना पुलिस, वैसी ये केस पे भी अब भरोसा है हम लोगों को। इसलिए हम जस्टिस मांगने रोड पे आए कि तेलंगाना पुलिस जल्द से जल्द वो एक्यूज के ऊपर एक्शन ले और उसको कड़ी सी कड़ी सजा दे, उसको हैंग करे या फिर इनकाउंटर करे, हमारी यही मांग है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हम लोग ये आज सुल्तानुल्लाह लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, लॉ कॉलेज, फार्मेसी, सब ऑल स्टूडेंट्स हैं, मिलके हम लोग रैली निकाले हैं क्योंकि जूनियर कॉलेज सब SUES पूरा कंप्लीट मिलके ये निकाले हैं कि सबिया, सैफी और चित्रा दोनों के लिए जस्टिस होना है और रेप जैसे केसेस में फास्ट ट्रैक लॉ होना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ ला लिए तो शायद मेरे हिसाब से लॉ में ये ऐसे केसेस कम हो जाएंगे। मेरा वही है कि बस मैं ये जो रेप केसेस हो रहे हैं उसके लिए, उन लोग वो विक्टिम्स के लिए, बच्चे महफूज है या नहीं है? जी जी नहीं, अभी नहीं है क्योंकि इसके वजह तेलंगाना की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है ये रेप केसेस में, ये मामले में उन लोग अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए तो बच्चियां क्या, हर कोई सेफ है यहाँ पे। थैंक यू।
जाके खड़ो।